जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पदोन्नति की प्रक्रिया लग रही काफ़ी लंबी खिंचेगी। ये देखिए, पुनः सचिव महोदय का आदेश आ गया है जो कि समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को लिखा गया है। विषय है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं की अनंतिम ज्येष्ठता के संबंध में। तो देखिए, जो इस बार का कारण है वो क्या है, मैं आपको स्पष्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें ये बात कही गई है कि 16/3/2023 से 23/3/2023 को मध्यरात्रि तक आपत्ति दर्ज कराए जाने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए थे। ठीक है, अब क्यों ये आगे बढ़ा है, इसका अलग कारण है। इसमें है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपलोड की गई सूची, जो अपलोड ऑलरेडी हो गई थी, कि अपने स्तर से पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया जा रहा है। मतलब जैसे कई बार देखे, मैंने जिक्र किया, यहाँ पर इस तरीके से सेनेटरी लिस्ट बन गई, इस तरह से वरिष्ठता क्रमांक बन गया, यहाँ ऐसे लिया गया, ठीक है, यहाँ कहीं गुणांक से लिया जा रहा है, कहीं उम्र से लिया जा रहा है, कहीं डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लिया जा रहा है, कई कई तरीक़ों से लिए जा रहे थे। हो सकता है कि अब फिर से वो सोच रहे हों कि भाई फिर से परीक्षण कर ले, कोई भाई गलती तो नहीं रहेगी, क्योंकि आपत्ति जाएगी तो फिर से ठीक करना ही पड़ेगा। अगर उनको सही लगता है कि हाँ इस नियम के तहत हमने नहीं किया, तो तब जाके ये ठीक होंगी। ठीक है, वैसे भी देखिए, जनपद स्तर की ये हमारी नियुक्ति होती है और जनपद स्तर के हमारे जो अधिकारी हैं वो उत्तरदायी होते हैं कोई भी चीज़ हमारे करने के लिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे स्थानांतरण हो या समायोजन हो। ठीक है, तो इसी क्रम में फिर से पुनः परीक्षण के लिए उन्होंने समय मांगा है, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जा रही है। अब जो है उक्त स्थिति में परीक्षण उपरांत जो है बेसिक शिक्षा परिषद upsdc.gov.in पोर्टल पर अपलोड अनंतिम ज्येष्ठता सूची अपलोड किए जाने हेतु समय सीमा को दिनांक 21/3/2023 मध्यरात्रि तक बढ़ाया जा रहा है। मतलब आप परीक्षण कर लीजिए, सही कर लीजिए, इसके बाद ये आखिरी तारीख है जिस पर आप लोगों को अपलोड कर देना। आप देखिए, जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ सामने आ रही है, जूनियर बेसिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा जो ये साइट का नाम है, पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने के संबंध में कार्रवाई पूर्ण होने के पश्चात तिथि की सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी। अब देखिए, बार बार इन सचिव महोदय को डेट बढ़ानी पड़ी, अब 21 तारीख हो गई है बढ़ते बढ़ते, तो अब इन्होंने जो आपत्ति वाला डेट ही छोड़ दिया है कि अब एक बार अपलोड हो जाए, इसके बाद ही आपत्ति के लिए सर आदेश निकालेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।